हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज के एपिसोड ने, मून नाइट के फोर्थ एपिसोड ने मेरा दिमाग इतना ज्यादा घुमा दिया है कि मैं अभी अपनी लाइफ को क्वेश्चन कर रहा हूं। क्या मेरा नाम सच में सचिन निगम है और ये सब कुछ रियल है या नहीं है? क्या मैं सच में मार्वल की यूट्यूबर हूं या कुछ और ही हूं? आई हैव नो आइडिया। एपिसोड की शुरुआत में ना एपिसोड बहुत स्लो जा रहा था और मुझे लग रहा था कि यार एपिसोड बहुत ज्यादा स्लो है, इसमें कुछ ईस्टर एग को हिडन ट्रेल तो ढूंढो। बेसिकली होता यह है कि वो आमिर की टूम तक पहुंच जाते हैं और ये एपिसोड का फोकस जो है ना वो लायला के ऊपर बहुत सारा किया गया है। एक सीन के हम देखते हैं जहां पर जो हमारा हैरो है ना वो लायला को सच बताता है कि तुम्हारे बाप का कत्ल हुआ था और हमारा मार्क स्पेक्टर वहां पे था। लेकिन एंड के जो 15 मिनट थे ना इस शो के, दे लाइक फकिंग डिड समथिंग विद माई ब्रेन कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि एक्चुअली में एंड में हुआ क्या है। दिस वॉज अ कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग मोमेंट फॉर मी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी उसमें से कन्फ्यूज हो कि क्या हुआ है, आप भी जानना चाहते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की एक्चुअली में हुआ क्या है। वीडियो को एंड तक देखना, ये कोई ब्रेकडाउन वीडियो नहीं है, आज सिर्फ मेरा दिमाग खराब हो गया देखिए कि मैंने क्या चीज देख लिया। अब ये तो सुपर हीरो है ही, घर बैठे बैठे माँ के सुपर हीरो बनने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अब घर का राशन हो या नई चप्पल, बस अमेजोन, मिंत्रा, आजियो जैसी वेबसाइट पर कैश क्रो से जाकर ढेर सारे पैसे बचाओ। अरे मेरे सुपर हीरो, कैश क्रो देता है हर ऑनलाइन शॉपिंग पर कैशबैक, वो भी रियल कैशबैक जिसे तुम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इंडिया के रियल लाइफ सुपर हीरो श्री रतन टाटा जी ने खुद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। अब सेल्स है उसके ऊपर से कैशबैक भी, भाई साहब लूट डील है ये तो। जितनी ही शानदार ऐप है उतना ही इजी इसको इस्तेमाल करना भी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक डाउनलोड कर लो और वहां पे ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करके मेरा कोड यूज करें सचिन25। ऐसा करने पर आपको इंस्टेंटली ₹25 का साइन अप बोनस मिलेगा। अब कोई भी वेबसाइट यहाँ पे सर्च कर लो, जैसे मैं यहाँ पे अमेज़न सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद एक्टिवेट कैशबैक बटन पे क्लिक करो। अब वहां जाकर जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करते हो ना वैसे ही शॉपिंग करो। शॉपिंग करने के बाद आपका सारा कैशबैक कैश करो ऐप के माई अर्निंग सेक्शन में आ जाएगा। इस कैशबैक को अब आप अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो और चाहो तो अमेज़न का गिफ्ट वाउचर भी रिडीम कर सकते हो। और हाँ रुको, अभी गिव अवे भी है, आप में से 5 लोगों को मिलेगा ₹200 का अमेज़न गिफ्ट वाउचर। तो बस वेट किस बात का है, जाओ डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो लिंक और वहां से डाउनलोड करके छोटा सा ट्रांजेक्शन कर लो। तो हाँ, स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करो, कैश करो। अब एंड में होता क्या है, हम देखते हैं कि हमारा जो मार्क स्पेक्टर है ना वो एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के अंदर उठ रहा है। मतलब जब मैं देख रहा था मैंने कहा हाँ मुझे पता है कि एक साइकियाट्रिक वाला सीन आने वाला है जहां पर हमें मार्क स्पेक्टर का एक सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर के अंदर ऑलरेडी ये चीज थी। तो वो सीन देखने के बाद मैं जब सारे के सारे वो बंदे मुझे देखने को मिले, क्योंकि अभी तक हमने देखे हैं जैसे एंटोनियो वाला बंदा हमें देखने को मिला, हैरो के जो दो बंदे काम करते थे वो हमें देखने को मिले, और जो लायला की मॉम की तरह की जो फिगर थी जिसने उसका पासपोर्ट बनाया था वो देखने को मिली, लायला देखने को मिली और आसपास इजिप्शियन आइकोनोग्राफी देखने को मिली। मुझे लिटरली लग रहा था कि मार्वल ने हम सबका बहुत ही बड़ा वाला चूतिया काटा है आज फाइनली। मतलब मैं हर बार ट्रिकली उनकी पकड़ लेता था क्योंकि लीक्स वगैरह आते रहते हैं, लेकिन मार्वल ने फाइनली एक ऐसा मूवमेंट फैंस को दे दिया जो कि वो कभी भूल ही नहीं सकते। टू बी ऑनेस्ट मैं भुला ही नहीं पाता, मैं देख रहा था ये हो क्या रहा है, इज इट रियल, क्या ये सच में हो रहा है, क्या एक्चुअली में स्टीवन ग्रांट और मार्क स्पेक्टर की जो चीजें हुई हैं क्या ये एक्चुअली में एक सपना थी, क्या एक्चुअली मार्क स्पेक्टर इतना पागल है कि अभी तक जो कुछ हुआ वो एक सपना था। बट इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। अब कॉमिक्स में होता क्या है, कॉन्शियस जो होता है ना वो मार्क स्पेक्टर के लिए एक विलन का काम करता है और मार्क स्पेक्टर के दिमाग को तोड़ने के लिए, यानी कि हमारे मून नाइट के दिमाग को तोड़ने के लिए वो एक्चुअली में हमारे मार्क स्पेक्टर को ये चीज बताता है कि तू एक्चुअली में पागल है और ये सब जो चीजें है ना वो तो इमेजिन कर रहा है। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं? मून नाइट के अंदर ये सारी की सारी चीजें जब लाई गई थी कॉमिक्स के अंदर ना, ये बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन था। क्यों? क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि यार इतने ध्यान से मून नाइट की कॉमिक पढ़ रहे हैं, लेकिन एंड में मार्वल वाले क्या कह रहे हैं कि ये सब कुछ रियल ही नहीं था। और आज के एपिसोड में उन्होंने यही किया है। लिटरली मैं आपको बता सकता हूं, जो बंदे एपिसोड देख रहे होंगे ना वो भी सोच रहे कि भैं जो हो क्या रहा है इस एपिसोड के अंदर, एंड आई वाज वन ऑफ देम। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि एक्चुअली में जो भी आपने देखा है ना वो मार्वल का इंटेंशन है आपको गुमराह करने का, और कहीं ना कहीं मैंने मार्वल की ट्रिकरी को यहां पे थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश की है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। अब तो जब हम देखते हैं कि लास्ट टाइम हमारे मार्क स्पेक्टर को गोली पड़ती है और वो पानी के अंदर गिर जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली मार्क स्पेक्टर मरा नहीं है। अब काफी लोग बोलेंगे कि मून नाइट का आर्मर उसके पास नहीं है, कॉन्शियस भी जिंदा नहीं है, तो मार्क स्पेक्टर मरा क्यों नहीं? यही तो एक मिस्ट्री है जो कि मार्वल वाले हमें 5th एपिसोड में और 6th एपिसोड के अंदर बताएंगे।
इस एपिसोड के अंदर ना एक चीज अगर आपको गौर से देखने वो मैं बताता हूँ कि मार्क स्पेक्टर जल्दी से ये जान जाता है कि एक्चुअली में जो भी मैं देख रहा हूँ ना वो सब कुछ फेक है। हालांकि एज ऑडियंस हमें नहीं पता है कि वो फेक है, हम तो यही एज्यूम करेंगे कि वो सब कुछ जो हमें दिख रहा है वो रियल है, बट एक्चुअल में मार्क स्पेक्टर ये बात जानता है कि जो भी हुआ है ना वो रियल नहीं है। और यहाँ पर जो है ना आर्थर हैरो फाइनली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मार्क स्पेक्टर को ऐसा कुछ दिखा रहा है जिससे उसका दिमाग पूरा खराब हो जाए और वो उसके कंट्रोल में आ जाए। और यहाँ पे एक मैं छोटी सी थ्योरी भी देने वाला हूँ जो कि सच हो सकती है, कंफर्म नहीं कहूंगा बट हो सकती है। तो पूरे एपिसोड के अंदर हमने देखा कि जैसे आर्थर हैरो जो है ना वो लायला से बात करता है और उसको बताता है कि तुम्हारे फादर की डेथ के अंदर मार्क स्पेक्टर मौजूद था, तो ऐसा तो नहीं है कि मार्क स्पेक्टर की जो लास्ट आइडेंटिटी है, लास्ट आइडेंटिटी जिसको हम जेक लॉकली बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो हमारे आर्थर हैरो के लिए काम करता हो और आर्थर हैरो ने जेक लॉकली को ये प्रॉमिस किया हो कि अगर तू मेरे लिए इतने सारे काम करेगा तो एंड में मैं तेरी जो पर्सनैलिटी है उसको मेन पर्सनैलिटी बना दूंगा और स्टीवन ग्रांट को एंड मार्क स्पेक्टर को पीछे भेज दूंगा। और ये काफी ज्यादा कन्विंसिंग है क्योंकि अब मान के देखो मार्क स्पेक्टर को अगर ऐसा लगेगा कि मैं पागल हूं तो ऑब्वियसली उसकी जो पर्सनैलिटी है ना वो वहां पर एक तरह से सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि जो भी मैंने देखा क्या वो रियल था, क्या वो सच में हुआ था। यहां तक कि सेम चीज स्टीवन ग्रांट के साथ में भी होगा, जब स्टीवन ग्रांट को पता चलेगा कि एक्चुअली में जो भी चीजें हुई हैं वो रियल नहीं है तो वो क्या करेगा, वो अब वापस से अपनी बैक पर्सनालिटी में चला जाएगा। और अगर आर्थर हैरो ने जेक लॉकली को ये प्रॉमिस किया होगा कि तेरी पर्सनालिटी को मैं मेन पर्सनालिटी बना दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली वो सबको कुछ ना कुछ देना चाहता है, तो यहां पर शायद आर्थर हैरो को ये परफेक्ट प्लान हो सकता है कि मार्क और स्टीवन को एड़ा बनाओ और जेक लॉकली की पर्सनालिटी को बाहर निकालो। हालांकि जो मैंने बात बताई है वो सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी ही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर मार्वल ने हमें जेक लॉकली को या फिर थर्ड पर्सनालिटी को लेकर बहुत ही बड़ा हिंट दिया है। एपिसोड के अंदर जब हम देखते हैं मार्क स्पेक्टर वहां से भाग रहा होता है तब आप देख सकते हैं कि एक टूम होता है, उस टूम के अंदर से आवाज आती है खोलो खोलो खोलो, जब वो खोलता है उसके अंदर से निकलता है स्टीवन ग्रांट। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है हमें एक और टूम देखने को मिलता है लेकिन वो उसका खोलता नहीं है, उसी के अंदर हमारे थर्ड पर्सन की पर्सनालिटी होने वाली है। और मार्वल का मेरे हिसाब से मून नाइट का अभी तक का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। अब मैं जानता हूं कि मेरी बातें अभी सेंस नहीं बना रही होंगी क्योंकि एपिसोड एक ऐसा एपिसोड था जो कि सच में हम सबको कंफ्यूज कर चुका है और हम सब सोच रहे हैं कि एंड में ये हिप्पो कहां से आया, ये डीएटी कौन है, क्या सब कुछ रियल है या नहीं है, आर्थर हैरो क्या एक डॉक्टर है, मार्क स्पेक्टर क्या एक पेशेंट है। यानी अभी तक मून नाइट के चार एपिसोड जो कि मार्वल ने हमें दिखाए हैं क्या वो सब कुछ फेक थे? द आंसर इज फेक नहीं थे, लेकिन इनका आंसर हमें फिफ्थ एंड सिक्स एपिसोड के अंदर ही देखने को मिलेगा। और खास बात बताऊं मार्वल ने फिफ्थ एपिसोड से और सिक्स एपिसोड से हमें कोई भी फुटेज और ट्रेलर के अंदर नहीं दिखाई है, विच इज अ ग्रेट न्यूज क्योंकि हमें फाइनली पता चलेगा एज अ अननोइंग ऑडियंस कि हमें पता ही नहीं है एक्चुअली में क्या होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड, मतलब फर्स्ट टाइम मैं कह सकता हूँ मार्वल ने मेरे दिमाग के साथ एक शो के अंदर खेला है एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी क्योंकि ऐसा कुछ नया मार्वल की तरफ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और मुझे मिला है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ छठे और पांचवें एपिसोड को देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में आप भी बताने कि आपका दिमाग खराब हुआ या नहीं हुआ, आई होप हुआ होगा क्योंकि मेरा तो बहुत ज्यादा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।